वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है संडे और आज संडे को करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो है जो कि 15 क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हर संडे की तरह आपको यहां पर 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आज की करंट अफेयर की साप्ताहिक टेस्ट की वीडियो नंबर 9 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी पर नोट करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के चार ऑप्शन में आपको आंसर नहीं दिए गए हैं। आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे आंसर की के रूप में। तो आप वीडियो के अंत में आंसर की के आंसर से अपने आंसर को मैच करके आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है। तो देखिए एक राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री ने हाल ही को उस राज्य को खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित कर दिया है। तो इसका देखिए चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इनमें से एक आंसर सही है। जो भी आंसर आपका हो आप उसको अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए और वीडियो के अंत में आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी और आंसर की से अपने उत्तर का मिलान करके आप वीडियो के अंत में टोटल आंसर आप कमेंट करेंगे और हम आपसे आशा करते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन में 15 सही होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगता हो तो आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके यानी रोक कर आप प्रश्न को समझकर आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, BCCI के वार्षिक समारोह में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। तो चार ऑप्शन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। ठीक है, तो इन चार में से एक आंसर सही है तो आप इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा देखिए क्वेश्चन, CRPF के किस जवान को मरणोपरांत प्रधानमंत्री पुलिस पदक प्रदान किया गया। तो हाल ही में CRPF के एक जवान को मरणोपरांत प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए विपिन चौटाला, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी मुकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हरविंदर सिंह। तो जो भी आंसर है आप इसको कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने भारत के 400 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। तो जो भी कंपनी है वो आपके सामने चार ऑप्शन है, फेसबुक, गूगल, अमेजन या फिर याहू। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को लगातार एवं सही से ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल ही रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट चल रहा है, इसका समापन भी हो चुका है, तो इसके जो रिजल्ट आए उनमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स, कैरोलिन वुजनियाकी या फिर स्लोएन स्टीफंस। तो इनमें से एक आंसर आपका सही है, तो जो भी आपका आंसर है आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, बंधन बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि बंधन बैंक इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, HR खान, RP वर्मा, रजनीश कुमार या डॉक्टर अतेंद्र सिंह। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी इसके अध्यक्ष हैं, इन चार ऑप्शन में एक आंसर है आपका, तो आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न देखिए, किस देश में हाल ही में 44वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, तो ग्रुप 7 यानी 7 देशों का समूह है, तो G7 शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ है। तो चार ऑप्शन है, जापान, रूस, कनाडा, इंग्लैंड। तो जो भी आंसर होगा आप इसको देखते चलिए। तो इसमें आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पर इसीलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि जिससे कि आपको पता चले कि आपके कितने सही कितने, आपको अगर आंसर अभी बता दिया जाएगा तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए वीडियो के अंत में आपके लिए टेस्ट के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है पुरुष सिंगल्स की, ठीक है, अभी महिला सिंगल्स का पिछला क्वेश्चन था, अब यहाँ पर पुरुष सिंगल्स की बात की गई है। तो किसने जीता है, चार ऑप्शन है, राफेल नडाल, डोमिनिक थिम, रोजर फेडरर या फिर एंडी मरे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वैसे भी टेस्ट की वीडियो में वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जिनके आगे आने वाली एग्जाम में आने की बहुत ही अधिक संभावना हो। कल यूपी पुलिस का पेपर है तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए जो भी पिछले वीडियोस में मिले हैं। उम्मीद करती है आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो चार ऑप्शन है, भारत, नेपाल, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो जो भी आंसर है इसका आप कमेंट में टोटल करके ऐड करके बताना होगा आपको कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
भारत नेपाल का संयुक्त सैन्याभ्यास, 13वां जो संयुक्त सैन्याभ्यास है वो कहाँ हाल ही में कहाँ पर समाप्त हुआ? ठीक है, सूर्यग्रहण जिसका नाम था वो कहाँ पर समाप्त हुआ? चार ऑप्शन है, काठमांडू, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून। ठीक है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, हाल ही में निकेई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चार ऑप्शन है, मनमोहन सिंह, बिंदेश्वर पाठक, टीएम कृष्णा और जेके हसन। ठीक है, इन चार में से आपका एक आंसर सही है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, हाल ही में बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए चार ऑप्शन है, ओडिशा, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य में बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की जाएगी? ठीक है, तो इसका भी एक आंसर सही है, जो भी आंसर सही होगा वो आप कॉपी पर नोट करते चलिए। और क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, यहाँ पर है, किसने वियतनाम देश में पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या फिर अरुण जेटली। ठीक है, जो भी आंसर होगा आप इसको कमेंट करके अंत में वीडियो में जरूर बताना होगा आपको कितने आपके सही हुए। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो चार ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, तो इसमें भी एक आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत कब की? तो कब इसकी शुरुआत की गई? चार ऑप्शन है, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो जो भी आंसर होगा आप प्लीज कॉपी पर नोट करते चलिए। और अब समय आ गया है इस वीडियो के 15 क्वेश्चन की आंसर की को देखने का। तो प्लीज जितने भी आपके आंसर होंगे, जो भी आपने नोट किए हैं, उनको आप आंसर की से मिलाइए, और जितने भी आपके सही होते हैं तो ईमानदारी पूर्वक उसको कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो ये देखिए रहे आपके कमेंट आंसर की के आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी आंसर है आप अपने मिला लीजिए, वैसे भी हम आपके लिए बोल भी दे रहे हैं। पहले का बी है आंध्र प्रदेश, दूसरे का ए है विराट कोहली, तीसरे का डी है हरविंदर सिंह, चौथे का बी है गूगल, पांचवें का ए है सिमोना हालेप, छठवें का ए है HR खान, सातवें का सी है कनाडा, आठवें का ए है राफेल नडाल, नौवें का सी है मॉरिसस, दसवें का बी है पिथौरागढ़, 11वें का बी है बिंदेश्वर पाठक, 12वें का ए है ओडिशा, 13वें का सी है निर्मला सीतारमण, 14वें का बी है गुजरात और 15वें का ए है 1 जून। तो जो भी आपके 15 क्वेश्चन हैं, उन सभी के जो आपको मार्क्स प्राप्त हुए, जितने भी आपके सही हुए 15 में, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपके 15 में 15 सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही मेहनत से आपने वीडियोस को देखा है, तो निश्चित रूप से आपका उसको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।